हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास का आपका आपका थर्ड चैप्टर जो मैथ का था वो स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब स्टार्ट हो भी चुका है, उसके एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। बट 3.3 स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ रूल हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि हम कैसे डिसाइड करें कोई टेबल कोई भी नंबर 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा, 3 से कोई भी नंबर कट रहा है या नहीं कर रहा, ये करने के लिए हमें उसके कुछ नियम है, कुछ रूल है। उसको पहले इसके यहाँ पे उसको पढ़ेंगे। पहले अगर चैप्टर का नाम आपको बता दूँ, वैसे प्लेइंग विद नंबर संख्या वाला खेलना, और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे। आज सिर्फ पढ़ेंगे, आज कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। बस मैंने जान के डाल दिया एक्सरसाइज, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ एक्सरसाइज कौन सा कर रहा है। बट ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम यहाँ डिग्री रूल करेंगे, विभाजित करनी है। अब ये क्या होता है, अब जैसे मैं एग्जाम्पल देकर यहाँ समझिए क्या होता है। अगर मैंने एक नंबर लिया, अब ये मुझे पता कैसे लगेगा ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। अब ये नंबर कैसे चलेगा, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे नंबर। बट बेसिकली हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे, कोई भी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, 4 से विभाज्य होगा कि नहीं, ये पढ़ने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे इसके बारे में आज हम यहाँ पे। सिर्फ हमारा आज का टॉपिक सिर्फ ये रहेगा कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो पहले आइए हम थोड़ा सा रूल देखते हैं। पहले क्या होता है, तो आपका जो पहला नियम है वो है आपका 2, ऐसे करेंगे डिविजिबल बाय 2, या इंजन है 2 से विभाज्य। अब देखो कोई नंबर 2 से विभाज्य होगा उसका रूल क्या है, अगर हम बोलूँ आपसे तो उसके नियम क्या बताता है हमें यहाँ पे, कि उसके नियम हमें ये बताता है कि लास्ट डिजिट होनी चाहिए, आखिरी जो अंक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आखिरी क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, या हम इसको बोल सकते हैं, और हम इसके क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर, या हम इसे बोल सकते हैं सम संख्या होनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं बोलूँ आपसे कि 2 का नियम क्या है, कोई नंबर 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, ये पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होती है, जो आखिरी अंक होगा वो क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8, हम इसको और बोल सकते हैं जो आखिरी नंबर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है इवन नंबर कौन सा था, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देखिए, मैंने अभी देखा कि क्या होता है। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो कि क्या कहना चाहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब मुझे ये मैंने बताया, अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप कैसे बता दोगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप इसे क्या करोगे, मैंने क्या बोला, लास्ट डिजिट आखिरी अंक लिखा है, डिजिट निकाला, मतलब आखिरी अंक निकाला 0, 2, 4, 6, 8, या बोल सकते इवन नंबर, तो आखिरी अंक क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये नंबर का 2 है, तो 2 मेरे लिए क्या इवन नंबर है, सम संख्या है, या बोल सकता 2 है 0, 2, मतलब आखिरी नंबर का मुझे 2, तो मतलब आप बात ये मेरे क्या होगा, 2 से डिलीवर होगा। आप कैसे होगा, आप इसे काटने को तो मैं क्या लिखूंगा, हम इसे लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से विभाज्य होगा। बट आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसे लिखूंगा हाँ ये 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, अगर आपसे पूछ ले 2 से विभाज्य करने का नियम का, बेसिकली आपसे भी ये आप ये पता करने के लिए बोलेगा ये नंबर 2 से विभाज्य है कि नहीं है, बस इतना बताना है। बट अगर पूछ ले 2 से विभाज्य होगा कि हम इसे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे अब 2 से विभाज्य मतलब डिवाइड होगा, हम इसे यहाँ काटना सीखेंगे। बेसिकली क्या होगा, आप देखिए ये 2 है और मुझे इसे काटना है, तो मैं कहूँगा देखो यहाँ से करेंगे पहले 2 के बाद कितनी बार 4 आए, 2 2 जा 4, कितनी बार में कटाई, 2 बार में कट गया, 2 1 जा 1, तो बेसिकली इसका आंसर कितना आया, 2। हमें ये नहीं लिखना है एग्जाम में, हमें एग्जाम में बस बताना है, अगर आपने पूछ लिया कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें लास्ट नाम आते ही काम के लिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, सम संख्या बोल, और हमें से क्या बोलते हैं, सम संख्या इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, अब
ऐसे नहीं, हम दो तीन एग्जाम्पल करेंगे अभी और जैसे फोर थ्री जीरो। अब ये नंबर हमसे पूछा ये नंबर दो से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लास्ट वाले करेंगे मतलब लास्ट आते हैं लास्ट डिजिट क्या देखेंगे, यहाँ पे जो नंबर को डिवाइड करना है इस वाले नंबर को डिवाइड करना है तो हम लास्ट की डिजिट क्या देखेंगे इसकी, ये देखेंगे यहाँ पे जीरो है, तो जीरो मुझे पता है कि जीरो आता है जिसके लास्ट में जीरो हो, दो हो, चार, छः, आठ हो, वो नंबर किसे डिविजिबल होगा तो उसे डिविजिबल होगा, तो मैं क्या लिखूंगा यस। आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है, बेसिकली हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें आखिर का अंक देखना है, ये कौन सा नियम है, किसका नियम है, ये टू का नियम है, याद रखिए, लेकिन दो का नियम है जो मुझे आखिर का अंक देखना है। अब आप देख के भी लगा सकते हो, बताओगे जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं, अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपको ये बताइए, आप ये बताइए ये नंबर टू से डिविजिबल है कि नहीं है, आप ध्यान से नोटिस करोगे, जो अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि लास्ट इकाई वाला हम देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या हमारे पास वन, और लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है वन, बट मैंने अभी तक कहा सर्व संख्या होनी चाहिए इवन नंबर होनी चाहिए, तो वन तो इवन नंबर होता नहीं है, अब यहाँ देखो जीरो दो चार छः आठ में वन आ रहा है नहीं आ रहा, बट ये हम के लिखे नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय टू, हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, बस आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये नंबर कटेगा कि नहीं, नहीं हाँ जी में लिखेंगे हम नहीं, ये दो से विभाजित नहीं है होगा। अब देखिए कैसे ध्यान से सुन लिया, हमें बस यहाँ नोटिस करना है कि नंबर आप बहुत सारे बड़े बड़े दे देंगे, बस आपको बताना है, हमें कुछ एग्जाम्पल दिखवा देना आपको, फिर बताना है कि नंबर दो से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला सारे नंबर में जितने भी नंबर दिखाओगे सब सिर्फ आपको बताना है दो से डिविजिबल है, दो से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आइए आप मतलब हमने दो एग्जांपल लिखे, बट अभी मैं और एग्जांपल लिखूंगा ताकि आप क्लियर कर सके। अब आपका जो है फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखो सिक्स फोर फोर जीरो, आप यहाँ ले लो और भी एग्जाम्पल इसी तरह जैसे ये सब याद रखिएगा, ये किससे डिजिटल होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ इसका बोला ये टू से डिजिटल होगा नहीं, सिर्फ इतने ही पूछना मुझे लास्ट में। अब ये बताइए आप मुझे इसमें से कौन कौन सा नंबर फोर से डिजिटल होगा कि नहीं, तो अभी आप क्या देखोगे सॉरी टू से डिजिटल होगा कि नहीं, तो आप पूरे एग्जाम्पल में क्या देखना चाहेंगे, आप नोटिस करोगे कि टू मैंने क्या लिखा, मैं सारा जैसे दो का बोला, अभी मैं थ्री फोर का नहीं लिखा, मैं दो का लिखा, तो ध्यान देखिए ये नंबर टू से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या देखोगे सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखोगे फाइव, और मैंने बताया अभी फाइव का रूल क्या बताया, जिसके लास्ट का लास्ट डिजिट है लास्ट आखिरी अंक क्या होना चाहिए आपके पास जीरो टू फोर सिक्स एट, ये आपका होगा तो ये फोर से डिविजिबल होगा, सॉरी टू से डिविजिबल होगा, अगर आखिरी का इकाई का अंक मतलब बोलते इकाई का अंक बोल सकते हो आखिरी बोल सकते हो या इकाई का अंक बोल सकते हो, आखिरी या बोल सकते आखिरी अंक बोल सकते हो या बोल सकते इकाई इकाई का अंक, इसे आखिरी इकाई का अंक भी बोल सकते हो। अब ध्यान से देखना इकाई का अंक क्या होना चाहिए जीरो दो चार छः आठ होगा तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा, अगर ये नहीं होगा तो एक बोल सकते सब नंबर आप इवन नंबर बोल दीजिए या सम संख्या बोल दीजिए, तो आप नोटिस करोगे फाइव ना मेरे सम संख्या है ये ना मेरे ऑड नंबर है इवन नंबर नहीं है। सेकेंड चीज़ ये कि इस वाले रूल के हिसाब से इस वाले नियम के हिसाब से लास्ट में क्या होना चाहिए जीरो टू फोर सिक्स एट ये आना चाहिए, तो बट ये यहाँ फाइव आ रहा मतलब ये मैं क्या लूँगा इट इज नॉट डिविजिबल बाई टू, सर मैं ये दो से विभाजित नहीं है। अब बताइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए और ये बताइए ये टू से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो लास्ट वाला अंक देखूंगा एक, तो मैंने अभी कहा इकाई का अंक क्या होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए या ये नंबर कैसे होना चाहिए, तो ये बोलोगे लास्ट में एट आ रहा है एट है नहीं किया है ना, तो बट ये हो गया मतलब ये नंबर क्या है टू से डिविजिबल है, तो मैं तो बोलूँगा यस इट इज डिविजिबल टू, ये होगा जिसको नहीं होगा मैं से काट रहा हूँ, जिसको होगा मैं फिर यस का निशान टिक करने जा रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन देखिए अभी देख के बताइए और ये बताइए कि ये नंबर फोर टू से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इकाई का क्या है यूनिट प्लेस क्या है आपका थ्री, और थ्री किसी के टू से जो नियम टू का जो नियम है दो का जो नियम है उसके लास्ट में थ्री नहीं आ रहा कहीं भी लास्ट में नहीं है, तो मतलब ये भी मेरे लिए नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बट बेसिकली ये ध्यान दीजिए जो यूनिट प्लेस होना चाहिए जो इकाई का अंक होना चाहिए जो लास्ट का अंक होना चाहिए लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए जीरो दो चार छः आठ या इन सबको में इवन नंबर भी होता था क्योंकि इवन नंबर ये सब दो से डिवाइड हो जाएंगे सम संख्या भी बोल सकता हूँ, ये नहीं होगा
क्यों नहीं होगा आपको पता है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लास्ट में क्या जीरो, तो मैंने बोला जीरो होना चाहिए यार, लास्ट में जीरो मतलब ये डिवाइड फोर से डिवाइड है। फाइव क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे नोटिस कर यार तो नाइन कि नाइन है यहाँ पे नहीं है, ये तो ओड नंबर है तो बेसिकली ये भी तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो का नियम क्या है। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, जिसका लास्ट संख्या जो लास्ट इकाई कम यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट जो आपकी क्या होनी चाहिए, जीरो दो चार छः आठ या हमेशा बोलते हैं इवन नंबर होना चाहिए, सब संख्या बोल सकता होना चाहिए, तो वो सारे नंबर क्या होंगे टू से डिजिट होंगे। ठीक है, तो ये आपका आपका टू का रूल है। आपके बुक में ऐसे दे रखे हैं क्वेश्चन, ऐसे बता देंगे कि भाई ऐसे आपको कोई भी नंबर दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये नंबर टू से डिजिटल है कि नहीं है, या टू से विभाजित दो से विभाजित है कि नहीं है, बता आपको, तो आपको सिर्फ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका किसका हो गया, ये एग्जांपल आपका। तो अब देखिए मैं अब यहाँ पे टू का नियम जो है, टू का रूल है वो खत्म होता हुआ, अब मैं आगे के नाम की हर नंबर दो से डिविजन नहीं होगा तो उसके बाद भी तो फिर सोचते हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं थ्री का रूल सोचेंगे। आप देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आगे करना चाहिए ये भी हटा दूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हिसाब से जो आपका नंबर है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने दो का रूल समझा, अब हम समझेंगे यहाँ पे थ्री का। अब थ्री का नियम क्या कहता है, पहले समझते थ्री का क्या होता है। थ्री का तो ऑलरेडी है बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपके समझ के ऊपर क्या समझेंगे, है ना। सम ऑफ ऑल नंबर, थ्री का नियम क्या था, तीन से कौन संख्या विभाजित होगी तो उसका क्या मतलब, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर सभी संख्याओं का योग, हिंदी में लिखेंगे सभी संख्याओं का योग। आप समझिए ध्यान से, थ्री का नियम क्या बोलता है, अभी नहीं समझेंगे बट मैं अभी समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। थ्री का नियम क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल नंबर, अभी तो आपने क्या है सभी संख्या योग से मतलब आपका क्या होता है ऐड करना, सम से मतलब क्या होता है जोड़ना, है ना। तो आप देखिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं उसके बाद मैं आपको यहां पे क्वेश्चन अनुमान एक नंबर है, है ना। तो अब ये नंबर है, अब आपसे पूछेगा क्या ये नंबर थ्री से डिविजन है या नहीं है, थ्री से डिविजन है कि नहीं। तो आपको ये डिविजन करने से लिए आपको पूरा इसको भाग, आप क्या करोगे, अगर पुराना तरीका आपको पता करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से घुमाओगे इसको ऐसे करोगे और उसको थ्री से देखिए भाग करके देखोगे, अगर नंबर कट रहा है पूरी तरह तो बोलते भाग करके लिए, बट हमें इतना सब कुछ नहीं करना, जैसे हमने टू वाले में किया था वैसे थ्री वाला नियम होगा, पर यहाँ पर क्या है इसका नियम थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर हम क्या कहता है, सम ऑफ ऑल नंबर सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग कहने का मतलब क्या है यहाँ पे इसका देखिए ध्यान से, मैं यहाँ का क्या नंबर है थ्री फोर, थ्री और फोर का ऐड करूँगा कितना आएगा सम करूँगा तो सेवन, सेवन और फाइव कितना हुआ है ट्वेल्व, तो कितना हो गया अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ कितना आएगा मेरे पास में ट्वेल्व। अब बताइए ट्वेल्व थ्री से कटेगा नहीं, थ्री की टेबल ट्वेल्व आता कि नहीं आता, तो बोलोगे यार तो मतलब अगर मैं इसे काटना चाहूँगा थ्री की टेबल ट्वेल्व आता है, तीन के पहाड़े में बारह आता है, तीन चौक बारह थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो मतलब ये नंबर इसको काटेगा फोर टाइम में, तो आप क्या बोलोगे ये नंबर भी आपका थ्री से डिविजिबल होगा, यस इट इज डिविजिबल बाय थ्री, ये नंबर भी तीन से डिविजिबल होगा, समझ ध्यान से। अगर मैं हिंदी में देख रहा हूँ ये नंबर तीन से विभाजित होगा, आप बोलो कैसे, आप यकीन कैसे होगा देखिए ध्यान से, आप इधर ऐसे भाग करके देख लीजिए, थ्री से भाग करना थ्री वन जा थ्री ये कट जाएगा, ये फोर अब उतरेगा थ्री वन जा थ्री कितना बचा वन और ये कैरी हो जाएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो आपका क्या बोल सकते हो ये नंबर क्या हो गया जीरो, मतलब लास्ट में अगर कुछ नहीं बताता मतलब नंबर डिविजन हो गया, तो नंबर पूरा पूरा कट गया तो बोल सकते हैं कि डिविजन बाई फोर डिविजन बाई थ्री। ठीक है, तो हम इसे ऐसे नियम करके हम क्वेश्चन अटेंड करेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो सके, जैसे एग्जाम्पल एक और लेता हूँ, हाँ फोर टू और आपका थ्री
अभी आपसे मतलब पूछा जाए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सबका सम करिए, सबका योग करिए, कितना हो गया? 4 और 2 6 6 और 9 3 9 9 और 4 9 और 5 कितना हो गया? 14। बट अगर मैं यहाँ पे कौन सी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, आप समझे ध्यान से, इनको ऐड करिए कितना हो गया? 6 6 3 कितना हो गया? 9 9 में 6 और ऐड करो और जमा करो, कितना हो गया? 15। इन सब मतलब कितना आया लीजिए? 15 3 15 आता है कि नहीं आता? आता है, आप बोलोगे आता है, तो बट हम बोल सकते हैं कि ये नंबर अगर 3 कितने बार में कटेगा? 5 बार में कट जाएगा, तो बोल सकते हाँ ये। अगर देखो मुझे काटने का मतलब नहीं है, मेरे पास 15, इनका जो कितना आया सब कितना आया? 15 आया। 15 3 के टेबल में आता कि नहीं आता? आता है ना, बट अगर आता तो मतलब ये काट देगा। 3 नंबर पूछना डिविजिबल होगा, कैसे होगा देखिए। तो मैं क्या बोलूँ यार, डिविजिबल बाई 3, ये नंबर 3 से भाग के होगा। आप जैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना होगा कि नहीं होगा, मैं इसे काट लो 3। देखिए चाहे ऐसे कर लिए चाहे आप ऐसे कर लिए, दोनों से काटेगा। देखिए 3 1 3, इसमें कितना बचा? 1 1, इसमें जाएगा कितना हो गया? 12। 3 4 12, अब देखो तो बता रहे 3 1 3 3 2, इतने बार में कट गया। अब इसको छोड़ के मैं यहाँ पे दोबारा आते हैं, यहाँ पे देखिए 3 1 3 कितना बचा? 1, ऊपर से क्या उतरेगा? 2। 3 4 12, यहाँ तो 0 बचा, ये 3 उतरेगा, 3 1 3 कुछ नहीं बचा, ये 6 उतरेगा, 3 2 6 ये 0 बचा, तो पूरा पूरा कट गया। तो मतलब मुझे यहाँ काटना नहीं, बस आपको सिर्फ इतना ही पूछेगा, एक नंबर दे देगा बड़ा सा और ये पूछेगा ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, सॉरी 3 से डिविजिबल है ये नहीं, सिर्फ इतना पूछेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल करते हैं लगातार, जैसे क्या नाम है एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है कुछ ऐसे 9 9 4 3, दूसरा एग्जांपल है आपका 4 3 5 5, देन उसके बाद 6, ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया 5 11 14 18 18 और 9, 7 2 3 6 आपका बोलते हैं 5 2 3 6। अब देखिए ऐसे मैंने रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, अब बस आपको बताना है ये नंबर। अब एक क्वेश्चन सेम लास्ट पूछना होगा, अभी नंबर इसमें से कौन कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, हमारा 3 से भाग है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये नंबर है, पहले मैंने बताया सम करना है, क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑल नंबर सभी संख्याओं का योग। अब देखो 9 9 18 18 और 4 कितना हुआ? 12 22 22 और 3 25। अब इसका अब बताओ 3 की टेबल में 25 आता है कि नहीं आता? नहीं आता ना, तो मैं क्या लिखूंगा? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाई, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है ना, अगर आपको ये नहीं होना तो आप यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं 9 9 4 3 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
आई तो बची गया, तो मतलब मैं बोलता था ये नंबर थ्री डिजिट नहीं है, इसे मैं दिखा दिया नो, ऐसे कार्ड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनका सम कर दिए, सबका सम करना है। ठीक, फोर और थ्री कितना हो गया सेवन, सेवन और फाइव कितना हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व और सिक्स कितना हो गया एटीन, एटीन और नाइन कितना हो गया ट्वेंटी सेवन। अब ट्वेंटी सेवन थ्री से डिविजन है कि नहीं है यार, बोल सकते बताइए। ट्वेंटी थ्री की टेबल ट्वेंटी सेवन आता है, नाइन टाइम में नौ बार में आता है, तो ये नंबर भी किससे डिविजन है, थ्री से ये नंबर थ्री से डिविजन है, ऐसे कर दिया। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं सेवन और टू कितना हो गया नाइन, नाइन और थ्री कितना हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व और सिक्स कितना हो गया एटीन, एटीन थ्री की टेबल में आता है तो बोल सकते हैं यार जो नहीं आता हो वही है। अब देखिए यहाँ पे भी करते हैं सभी संख्या का सब, कितना फाइव और टू कितना हो गया सेवन, सेवन और थ्री कितना हो गया टेन, टेन और सिक्स कितना हो गया सिक्सटीन। अब बताइए सिक्सटीन थ्री की टेबल में आता है नहीं ना, ये बोल सकता हूँ नहीं आता,
तो आई होप ये वाला भी आपको 3 की टेबल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जब भी आप अगर आपसे बोल रहा कोई नंबर 2 से डिवीजन है कि नहीं, तो हम उसका इकाई का देखेंगे, सम संख्या होना चाहिए। और जब भी कोई नंबर हमें 3 से बोलता कर देंगे, तो हम उसका सम और नंबर सभी संख्या का योग करके देखेंगे, और वो नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा ये देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको 3 वाला रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम 4 का स्टार्ट करते हैं। तो अब 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। अब अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ आपको, फोर का नियम क्या बोलता है हमारा, लास्ट का देखो हमें बोल रहा है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 4। इकाई का अंक या आखिरी अंक बोलते हैं, इकाई या आखिरी अंक, आखिरी 2 अंक के नाम होगा, आखिरी 2 अंक 4 से विभाग होना चाहिए, भाग होना चाहिए, भाग होने चाहिए। अगर आखिरी के 2 अंक अगर 4 से भाग होंगे तो पूरा का पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं ताकि लोग देख सके। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे 4 2 3 6। अब बताइए ये नंबर 4 से डिविजन होगा या नहीं होगा? तो आप मैंने देखो मैंने क्या बोला, ये नंबर 4 से डिविजन होगा कि नहीं होगा। तो इसका नियम क्या है, लास्ट 2 डिजिट डिविजन बाय 4, लास्ट 2 डिजिट डिविजन बाय 4। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आपका 4 का नियम ना। 4 का रूल क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट डिविजन बाय 4, आखिरी के 2 अंक कितने होने चाहिए, आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। आखिरी के 2 अंक, याद रखिए आखिरी के 2 अंक बोल रहा है, तो आगे के 2 अंक कौन से होंगे, आपके पास यही 2 अंक आखिरी के, तो आप नोटिस करोगे आखिरी के 2 अंक कौन से होंगे, ये 36। अब बताइए 4 के टेबल 36 आता है, आता है ना, तो 36 आता है, 9 टाइम में 4 9 का 36 मतलब आता है। तो ये पूरा का पूरा हम क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 4। आप बोलो कैसे, हाँ ये 4 ये चलेंगे, हाँ ये 4 से विभाज्य होगा। अब कैसे, तो आप यहाँ पे मैं भाग करके दिखा देते हैं आपको, ताकि यकीन हो जाए कि हाँ ये भाग होगा 4 से। 4 बन जा 4, अभी टेकर नहीं करेंगे तो मैं लगाऊंगा 0 और ये फिर वाला बता दूंगा 4 5 जा 23 बचेगा और ये आएगा 6, 4 9 जा 36, लेकिन कुछ बचा नहीं, बचा तो मतलब ये अंक 4 से डिविजन होगा। समझ में आया आपको, आ गया होगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हिंदी में करेंगे, हाँ ये 4 से विभाज्य होगा, ठीक है, इतना ही लिखना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम आपको, आप बताइए ये नंबर 4 से डिविजन है या नहीं है। तो अगर ये नंबर 4 से डिविजन होगा या नहीं होगा, तो आपको पूरा डिविजन करने का रूल नहीं है, ये सब पता इतना टाइम लेता कि आप पूरा डिवाइड करके देखो, बस हमें अगर नेम याद रहेगा तो हम देखेंगे हाँ ये 4 से डिविजन है। अगर अगर रीजन पूछा क्यों है, इसी अगर हम तो एग्जाम में पूछ लिया गया कि बताइए ये नंबर 4 से डिविजन है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ लिख के एग्जाम्पल में आ गया, हाँ लिख है। अगर पूछ दिया जाए क्यों डिविजन है ना, क्यों डिविजन है या क्यों भाग गया, तो आप आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि इसकी लास्ट की 2 डिजिट कितने हैं, 4 से डिवाइड होगी, लेकिन पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब लास्ट की 2 डिजिट देखिए यहाँ पे 44 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, देखो 44 को 4 बन जा 4 4 बन जा 4 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पूरा पूरा काट के कुछ बचा नहीं, तो मतलब बोलते हैं कि पूरा नंबर 4 से डिविजन होगा, ठीक है। आप बोलोगे पूरा हमें पूरा सॉल्व नहीं करके दिखाना, बस इतना बताना 4 से डिविजन होगा कि नहीं होगा। आप बताइए जब ये तो लास्ट की 2 से अगर 4 से डिवाइड होगा तो मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल करते लगाता ताकि यकीन हो जाए कि हाँ ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस आखिरी के 2 अंक 4 के टेबल में, हमने 4 के रूप में क्या देखा, आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब जैसे एग्जांपल है, यह एग्जांपल
देखिए पांच, मैंने पांच तरह के एग्जाम्पल दिए आपको, अब आपको सिर्फ मैंने क्या बोला इसमें से कौन कौन सा नंबर फोर से डिवाइड है ना, इनमें से कौन कौन सा नंबर फोर से डिविजिबल होगा या पाँच चार से भाग होगा, तो मैं क्या करूँ कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूँ, हमारा रूल क्या है लास्ट की टू डिजिट किसी होने चाहिए फोर से डिवाइड होने चाहिए, आखिर के दो अंक फोर से भाग होने चाहिए, तो यहाँ पे वही प्रोसेस करते हैं, आखिर के दो अंक देखते हैं 41 फोर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको 41 फोर के डिवाइड में आता है 40 आता है, 41 तो नहीं आता, मतलब मैं क्या लिखूँगा ये नहीं है, कैसे यकीन होगा आपको आप इसे भाग करके देख लीजिएगा, यकीन हो जाएगा 4 × 4 ये कुतरेगा, अब एक बच गया ना तो मतलब ये फोर से डिवाइड नहीं होगा, अब ये देखिए लास्ट की टू 48 आएगा, अब देखिए 48 को करके देखिए फोर बन जा फोर जीरो, फोर टू जा एट, मतलब फोर से डिवाइड है, मतलब ये फोर से डिवाइड होगा, मतलब ये भी फोर से डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर फोर से डिवाइड होगा, अब ये देखिए तो लास्ट की टू क्या 60 है, भाग करके देखना हमें 4 से डिवाइड करके 4 × 4 कितना बचेगा यहाँ पे 2 और ये 0 बचेगा उतर जाएगा 4 × 5 = 20, तो आपके लिए ये आपका 15 आ गया, तो मतलब ये नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा, अब ये नंबर देखिए लास्ट की टू देखिए 9 8 फोर से देखना 9 × 2 = 8 1 और 8 ये रहा 8 उधर जाएगा 9 में से जाएगा 8 जाएगा 1 बचेगा और ये रहा 8 उधर जाएगा 9 4 = 16 2 बच गया मतलब जो बच गया मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, आगे का क्वेश्चन देखते हैं इतना मुझे करने के लिए 4 की टेबल में 32 आता है 4 × 8 = 32 तो मतलब ये नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा, तो ये आपका 4 का रूल था जिसमें आपको देखा हमें इसमें क्या करना था कि लास्ट की टू डिजिट देखनी थी कि 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो एक बार रिवीजन करते हैं क्या कॉन्सेप्ट था, अगर मैं बोलूँ 2 से, अगर मैंने आपसे बोला कि 2 से तो 2 का नियम हमें क्या बोलता है, 2 का रूल हमें बोलता है कि लास्ट की टू डिजिट मतलब बोल सके अगर मुझे सिर्फ 2 का रूल देखा अगर हमें कह लास्ट डिजिट अगर मैं यहाँ 2 का नियम बोलता हूँ 2 का मुझे 2 का रूल बोलता हूँ तो क्या बोलते हैं लास्ट जो डिजिट होनी चाहिए 2 के में वो क्या होना चाहिए लास्ट का अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होगा या सम इवन नंबर बोल दो या सम संख्या बोल दो ये होगा तो 2 से डिवाइड होगा, 3 का रूल क्या बोलता है सम ऑफ ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 मतलब बोलते सभी संख्याओं को योग करो, 3 का रूल क्या बोलता है सभी संख्याओं को जोड़ो, अगर उसका जोड़ने में 3 आ रहा है या 3 की टेबल में आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ वो नंबर 3 से कटेगा, 4 का नियम क्या बोलता है हमें कि अगर लास्ट की टू डिजिट ये डिविजन बाई 4 अगर आखिरी की 2 संख्या है 4 से भाग होगी तो पूरे का पूरा नंबर भी 4 से भाग हो जाएगा, आखिरी के 2 अंक 4 से भाग होगा तो पूरा पूरा नंबर ही आपका 4 से भाग हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आखिरी का 2 अंक था और 4 से भाग था 36 था, अब 36 4 की टेबल में आता कि नहीं आता तो मतलब पूरा पूरा भाग हो जाएगा, जो 36 से पचास है जैसे 48 होगा तो हम उसे भाग करके देखेंगे, अगर भाग हो रहा है तो बोल सकते हैं कि हाँ भाग होगा, अगर नहीं होगा तो मतलब बोल देंगे ये भाग नहीं होगा, तो ये आपका 4 का रूल था। तो आज कुछ क्या नाम है अच्छा आज के लिए सिर्फ इतना होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ साउंड प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही होगा, बाकी की क्लास जो आगे का जो जब डिविजन वाला रूल है वो मैं कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा, सॉरी फॉर दैट।